हिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कृपया अपनी टाइम मशीन की सीट बेल्ट्स बांध लें, क्योंकि हम जा रहे हैं 19th सेंचुरी में, वो भी यूरोप में। तो इस लंबे सफर में आप चाय, कॉफी, बिस्किट, जूस एक्सेट्रा लेकर रखना, ताकि बीच में इमरजेंसी ब्रेक ना लेना पड़े। तो बिना देर किए मूवी शुरू करते हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले समझते कि नेशनलिज्म होता क्या है। इसका सीधा साधा मतलब है अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना। एग्जाम्पल, आई लव माई इंडिया। या फिर ये भी हो सकता है, अ फीलिंग डैट योर कंट्री इज़ बेटर देन एनी अदर। एग्जाम्पल, कोई नहीं है टक्कर में। खैर, ये तो मेरा एग्जाम्पल था, लेकिन चलेगा। एंड नेशनलिज्म के और भी कई सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि हम इंडियंस आई लव माई इंडिया या आई प्राउड ऑफ माई इंडिया ये सब बोलते क्यों हैं? हमारे अंदर ये फीलिंग्स आती क्यों है? तो इसके तीन मेन कारण है। पहला, इंडिया में हमारे पास कई तरह के राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट। दूसरा, इंडिया में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं, एकदम आज़ादी का मजा लो। और तीसरा, इंडिया में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और भी कई सारे रीज़न है, जैसे किसी को इंडिया का लैंग्वेज पसंद है, किसी को इंडिया का कल्चर पसंद है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तीन मेन कारण है। डैट्स वाई वी प्राउड टू बी एन इंडियन। इसीलिए हम यहाँ रहकर खुश हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जिस देश में ये तीनों चीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ के लोग उस देश से तंग आ चुके हैं। और पहले यूरोप के लोगों का भी यही हाल था। और यारो, तुम ही बताओ, जिस देश में ना तुम्हारे पास आज़ादी होगी, ना अधिकार होगा, और ना ही तुम्हारे साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा, तो उस देश पर तुम प्राउड फील करोगे? घंटा प्राउड फील करोगे और उल्टा दो चार गालियां दे दोगे और बोलोगे मेरी किस्मत खराब थी जो मैं यहाँ आया। कोई भी होगा तो यही बोलेगा। और ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। इसीलिए ये सब बेसिक बातें सुन लो, उसके बाद तुम्हें हिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा कभी। और अब मैं एग्जाम्पल दूंगा नॉर्थ कोरिया का, जहाँ के लोगों के पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है और सारी पावर सिर्फ एक आदमी के पास है, वो है किम जोंग उन। ये जैसा बोलता है वहाँ के लोग वैसा ही करते हैं। अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ मोनार्की रूल। इसीलिए वहाँ के लोग इस रूलर से तंग आ चुके हैं। और अब तुम गेस करो कि इस परेशानी को दूर करने के लिए नॉर्थ कोरिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? अरे बिल्कुल सही, नॉर्थ कोरिया को ज़रूरत है एक रिवॉल्यूशनरी की, जो पूरे देश में नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाए। वही काम जो इंडिया के लिए महात्मा गांधी ने किया था। और इसी पर चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया बन गया। और सेकंड चैप्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना में भी कुछ ऐसा ही सीन है। अब पता चला कि तीनों चैप्टर में नेशनलिज्म वर्ड कॉमन क्यों है। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ तो मैं बता रहा था कि गांधी जी भी एक फेमस रिवॉल्यूशनरी थे, और नॉर्थ कोरिया को भी ऐसे ही महान आदमियों की ज़रूरत है जो वहाँ के लोगों में यूनिटी पैदा कर सके और डेमोक्रेसी को बिल्ड करे। और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हिस्ट्री के सिलेबस में एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, जिसका नाम होगा नेशनलिज्म इन नॉर्थ कोरिया। और उस कहानी की चंद लाइनें कुछ ऐसी होगी, इन 2020 नॉर्थ कोरिया वाज अंडर द शैडो ऑफ किम .. और आगे न जाने कितनी फालतू की बातें लिखी रहेंगी, दो चार बेकार के पैराग्राफ दिए रहेंगे और 15-20 फोटो दिए रहेंगे जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ बुक को मोटा करने के लिए ऐसा करते हैं। और तुम हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी 15 पेज से नीचे का नहीं होगा। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर इन्फॉर्मेशन ही देनी है तो थोड़े मज़ेदार तरीके में दो, ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए। लेकिन यहाँ क्या मिलता है? ये क्लास, वो क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ये ग्रुप, वो ग्रुप, और ना जाने कितने शहर के नाम, कितने टाउन के नाम, कितने आदमियों के नाम, उनके बच्चों के नाम, उनके पापा के नाम, उनके दादा के नाम। ये सब देखने का तो मन ही नहीं करता, पढ़ना तो दूर की बात है। और भाई डेट की तो बात ही मत करो, यहाँ लास्ट टाइम कब आइसक्रीम खाया था उसका तो डेट याद ही नहीं रहता, और यहाँ 300-400 साल पहले का डेट याद रखना पड़ता है। इट्स टोटली डिस्गस्टिंग। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों की प्रॉब्लम, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा। खैर बहुत हो गया ये सब, अब टॉपिक पर आते हैं। अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि नेशनलिज्म क्या होता है, लेकिन जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया है वो अब ध्यान से सुनना। मान लो मोदी जी ने इंडिया में पबजी बैन कर दिया, बस एग्जांपल के लिए मान लो, तो जितने भी पबजी लवर्स थे वो निराश हो गए, क्योंकि ये डिसीजन सुनने के बाद उनके माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आया होगा, मोदी जी आपने तो धोखा दे दिया, हमारा सुख चैन बैन कर दिया। लेकिन इसी बीच तुम्हारे मन में एक लड्डू फूटा और तुम्हें एक ज़बरदस्त आइडिया आया कि भाई पबजी तो हम सभी खेलते हैं और इसके बैन लगने पर हम सभी को प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना हम एक यूनिटी बनाकर इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, क्योंकि अगर हम एक साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और भाई जहाँ यूनिटी है वहाँ कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम्हारे माइंड में एक ख्याल आया होगा कि हम गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज करने से अच्छा गवर्नमेंट को ही चेंज कर दें, क्योंकि भाई क्या पता जिसने पबजी बैन किया तो कल को ये इंटरनेट भी बैन कर
कर दे। मकड़ी के जाल को बार बार साफ करने से अच्छा है मकड़ी को ही साफ कर दे। तो मेरा आंसर है बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हुए तो आप एक रिवॉल्यूशनरी कहलाओगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपके साथ यूनिटी होगी, और इसी यूनिटी के कारण आप चाहो तो अपना गेम भी वापस ला सकते हो। यूनिटी कैन डू एवरीथिंग। तो अभी तक हमने सीखा कि नेशनलिज्म तभी फैलता है जब लोग यह मानने लगते हैं कि वो एक ही देश के हैं, और जब उनमें यूनिटी होती है जो उन्हें एक साथ बांधती है। Nationalism spread when people begin to believe that they are all part of the same nation and when discover some unity that binds them together. अब बस एक बात और जानना बाकी है कि nationalism भी कई तरह के होते हैं। Nationalism are of many types. पहला revolutionary nationalism, second romantic nationalism, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। तीसरा लैंग्वेज नेशनलिज्म, फोर्थ कल्चरल, फिफ्थ एथनिक, और जो मैंने पबजी वाला एग्जाम्पल दिया था वो आएगा गेमिंग नेशनलिज्म में। जस्ट फॉर जोक ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन मैंने इमेजिन किया कि अगर सही में ऐसा कोई केस होता है तो उस पर भी ऐसा कुछ नाम जरूर आएगा। एंड नेशनलिज्म के और भी कई टाइप्स है जो मैंने लिखे नहीं है, वो सब आपके किसी काम का नहीं है, और अगर बता भी दूंगा तो सब ऊपर ऊपर से चला जाएगा। आगे अगर यही सब्जेक्ट लोगे तो और डीप में पढ़ने को मिलेगा। खैर अभी तक मैंने आपको रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म समझाया है क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही है, और रोमांटिक नेशनलिज्म भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। और भी कई तरह के हैं, जब आएगा तब देखा जाएगा। अब तुम लोग चैप्टर पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, लेट्स गो। जैसे ही आप चैप्टर को खोलोगे तो वहाँ आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगी जो 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियों ने बनाई है। इसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा है जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। इस चित्र में दिखाए गए लोग यूरोप और अमेरिका के हैं जो एक लंबी कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सम्मान देते हुए जा रहे हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ठीक सामने कुछ टूटे पड़े सामान बिखरे हुए हैं जो मोनार्की गवर्नमेंट यानी राजा महाराजाओं की पहचान है, जैसे राजा के मुकुट और वगैरह वगैरह। और कुछ मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, ध्यान से देखना तो दिखेगा। लेकिन इससे साफ जाहिर हो गया कि मोनार्की गवर्नमेंट ना ही वहाँ के लोगों को पसंद है और ना ही कलाकारों को। ये तस्वीर बहुत कुछ शो कर रही है, ध्यान से देखना। इस जुलूस में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे यानी लेफ्ट साइड में फ्रांस के लोग हैं जिन्हें द ट्राई कलर फ्लैग के जरिए पहचाना जा सकता है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, पोलैंड, आयरलैंड वगैरह वगैरह के लोग हैं, और ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के लिए किया है, और ध्यान से देखो तो जीसस क्राइस्ट के ऊपर फ्रेटर्निटी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। इस पिक्चर में बस इतना ही था। अब हम देखेंगे कैसे नेशनलिज्म 19 सेंचुरी में पूरी यूरोप में फैला। तो नेशनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले हुई फ्रांस में, वो भी 1789 में जब वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। लेकिन फिर आया कहानी में एक ट्विस्ट, और यूरोप के लोग भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुए कि भाई फ्रेंच लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कुछ कम है क्या, हम भी अपने देश में बदलाव ला सकते हैं। फिर होना क्या था, नेशनलिज्म का रायता पूरे यूरोप में फैल गया, लेकिन इसे फैलने में काफ़ी टाइम लग गया। ये शुरू हुआ 1789 में और एंड हुआ 1914 में, जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो चलो देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो ये सब हुआ कैसे जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Just like the street lights lit this time, like a fire.